हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली यानी कि फिरोज शाह कोटला के पिच रिपोर्ट के बारे में। हम लोग जो है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड जो है वो आज का ग्राउंड नहीं है, बहुत ही पुराना ग्राउंड है। इसके बारे में जो है आप देखोगे कि बहुत सारे जो है अपने किस्से कहानियाँ सुना होगा कि किस तरीके से ग्राउंड बिहेव करता है, और बहुत सारे जो है इस पर अपने मैसेज भी देखे होंगे, चाहे वो इंटरनेशनल मैसेज देखे होंगे या फिर T20 मैसेज देखे होंगे, ODI टेस्ट, या फिर जो है आपने डोमेस्टिक में IPL के बहुत सारे मैसेज जो है यहाँ पर देखे होंगे। तो अभी किस तरह से जो है बिहेव करता है, ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों को जो है आइडिया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल से जो है चर्चा करते हैं, देखते हैं कि ग्राउंड जो है वो कैसा रहने वाला है इस बारिश के मौसम में। तो सबसे पहले जो है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है विनर सेशन एंट्री जो है आप यहाँ पे खेल सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हो। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और दोनों जगह जो है आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। आप जाके जो है वो लास्ट मैच का भी जो है वो देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे लोगों ने जो है एक बढ़िया सा प्रॉफिट जो है वो उठाया है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस ग्राउंड के बारे में, तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो ग्राउंड है काफ़ी पुराना ग्राउंड है, और इसकी कैपेसिटी भी आप देखोगे तो ऑफकोर्स 50,000 के आसपास जो है इसकी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। और अगर ये बारिश का मौसम नहीं होता तो आप देखते हैं इस मैच में जो है पूरा क्राउड जो है एकदम बिल्कुल भरा पड़ा जो है ग्राउंड आपको मिलता है। लेकिन अभी के सीनरी में यही है कि यहाँ पे जो है वो हो रहा है बारिश। दिल्ली में हम देखोगे तो दिल्ली में जो है बारिश चल रहा है पिछले 1-2 दिनों से, और अभी भी जो है आने वाले 1-2 दिन में जो है वो बारिश के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऐसे में ऑफकोर्स बहुत सारे जो ऑडियंस होंगे वो जो है वो शायद ना जाएँ इस ग्राउंड पर मैच देखने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे इस ग्राउंड के बारे में, तो आप देखो कि ये ग्राउंड जो है वैसे तो ट्रेडिशनली आप इस ग्राउंड के बारे में देखो ना, तो ये ग्राउंड जो है एक तरीके से बैटिंग की तरफ बिहेव करता हुआ नज़र आता है। अब जब बैटिंग की तरफ बिहेव करता हुआ नज़र आता है तो ऑफकोर्स आपके मन में यही सवाल होगा कि कितना जो है यहाँ पर रन बन सकता है। तो T20 में अगर देखोगे यहाँ पर तो बहुत अच्छा रन बनता है। T20 में आप देखोगे तो जो एवरेज है 170-180 के आसपास रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा सा जो है ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मैच में जो है वो रन बनता है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये जो ग्राउंड है ना बहुत ही एक अलग तरीके से बिहेव करता हुआ नज़र आता है। कभी कभी इस ग्राउंड पे जो है इतना खतरनाक सा पिच हो जाता है कि यहाँ पे रन बनाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ये ग्राउंड जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करता है, जहाँ पे आप देखोगे कि आपको लगेगा कि बस कोई भी बैट्समैन आ रहा है मार के जो है यहाँ पे रन बना रहा है, इस तरीके से जो है ग्राउंड आपको दिखाई देगा। लेकिन ऐसे सिनेरियो में जो है आपको ये देखना होगा कि ये ODI में किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो अभी देखोगे तो एक ग्राउंड तो वैसे भी जो है देखो तो एक फ्लैट कंडीशन मिलता है यहाँ पे। फ्लैट कंडीशन के साथ साथ आपको यहाँ पे देखने मिलता है कि बाउंड्री जो है वो थोड़ा सा स्मॉल रहता है, इसके लिए जो है फेवर जो है ये बैट्समैन को करता है। इसके अलावा देखते हैं तो अभी अगर इस डाटा के हिसाब से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक बहुत ही परफेक्ट ग्राउंड है, जहाँ पे 300 रन स्कोर करो और साथ में चेस भी कर लो, इस तरीके से जो है ग्राउंड दिखाई देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है इस ग्राउंड पे नॉर्मली। अब 300 रन बन जाता है तो ज़्यादातर चांसेस रहता है कि यहाँ पे जो है वो डिफेंड हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड जो है वो हमेशा एक तरीके का बिहेव नहीं करता है। और अभी सीनरी में देखोगे तो अभी सीनरी में जो है वो दिल्ली में बारिश है, तो दिल्ली में जब बारिश है तो आपको दिखाई देगा कि देखो बारिश है, ग्राउंड कितना भी ढक के रखो, लेकिन उसमें जो है आपको एक चीज़ ज़रूर नज़र आएगा, और वो होगा कि हाँ यहाँ पे जो है आउटफील्ड ज़रूर स्लो हो जाता है। और जब आउटफील्ड स्लो हो जाएगा तो कितना भी आप ज़ोर से मारो तो क्या होता है कि जैसे बॉल जो है आउटफील्ड में जाएगा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। साथ में अगर नमी वमी रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, बॉल भी गिरा होगा। तो वैसे सिनेरियो में आपको चांसेस यही रहता है कि यहाँ पे जो भी मैसेज होगा एक अच्छे तरीके से जो है वो आपको रन बनता हुआ ना दिखाई दे, जो नॉर्मल कंडीशन होगा वो नहीं दिखाई देता है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है अगर कहोगे कि ग्राउंड जो है छोटा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि खाली जो प्लेयर्स है वो क्या करें बड़े बड़े हिट लगाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि खाली जो है वो बड़े बड़े हिट लगाए और ग्राउंड जो है वो आउटसाइड फील्ड में गिरने ही ना दे, ऐसा जो है नॉर्मली नहीं होगा। तो अभी ग्राउंड किसके लिए जो है ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो देखते हैं बैट्समैन के लिए, तो बैट्समैन के लिए ग्राउंड जो है एक बहुत ही वेल डन ग्राउंड होगा। और इस ग्राउंड पे खासकर आप देखोगे तो जो दिल्ली के प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत सारे मैचेज यहाँ पे खेले हैं, जैसे यहाँ पे ले लो शिखर धवन बहुत सारे मैचेज खेले, सिर सैयद दिल्ली के कैप्टन रह चुके तो उन्होंने बहुत सारे मैचेज यहाँ पे खेले हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मैचेज जो है वो खेले हैं, जैसे कुलदीप यादव जो है वो दिल्ली की तरफ से बहुत सारे बॉलिंग भी कराए हैं, तो एक अच्छा सा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने दिल्ली के लिए मैचेस खेला है, तो उनको भी इस ग्राउंड के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया है, तो भी जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यहाँ पर बैटिंग करना, लेकिन अगर थोड़ा सा रुक गया ग्राउंड जैसा रहता है वैसा ही मिल गया, बारिश का जो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, तो एक अच्छा सा जो है आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा कि एक अच्छा सा जो है रन बनते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो है आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे
कि अगर हम लोग बॉलिंग के लिहाज से बात करते हैं तो अगर हम लोग फास्ट बॉलर के लिहाज से बात करते हैं तो फास्ट बॉलर को जो है यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन हाँ जो इनको स्विम करना आता है बॉल जो है थोड़ा सा भी फंसना शुरू हो जाए, थोड़ा सा ग्रिप करना शुरू होगा तो इस ग्राउंड पर जो एक अच्छा सा बेनिफिट जो है मिल सकता है फास्ट बॉलर को। लेकिन जिस तरह का ग्राउंड है ज़्यादातर चांसेस रहता है कि फास्ट बॉलर को जो है उतना ज़्यादा मदद नहीं मिलता है जितना बैट्समैन को मिलता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अगर रात के मैचेज हो तो ड्यू के कारण जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे इंपैक्ट ज़रूर होता है बॉलर को, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। लेकिन अगर दिन के मैचेज होता है तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि हाँ जैसे जैसे 50 ओवर बीते जाएगा तो ग्राउंड वैसे भी थोड़ा सा स्लो होता जाता है, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आपको एक बेनिफिट जो है वो मिलते जाएगा किसको, तो फास्ट बॉलर को। स्पिनर की बात करें तो ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है तो स्पिनर के लिए जो है थोड़ा सा दिक्कत जरूर सामना हो जाता है। जहाँ पे ग्राउंड थोड़ा सा छोटा होता है तो स्पिनर के लिए जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर फेस करने को मिलता है। तो स्पिनर के लिहाज से देखोगे तो थोड़ा सा ग्राउंड छोटा है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर फेस करने को मिलेगा, लेकिन अगर इस शर्त पर बेनिफिट मिल सकता है कि अगर ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा आउटफील्ड स्लो रहता है, गीला रहता है, ग्राउंड में नमी रहता है। अब देखो ग्राउंड जो पिच है कितना भी ढक के रखो, लेकिन अगर आउटफील्ड पे पिच के अगल बगल बारिश हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो पिच पे आता ही है। उसके इम्पैक्ट के चलते ग्राउंड में क्या होता है कि एक आप कितना भी जो है वो रोल कर लो लेकिन ग्राउंड में नमी जो है वो रहता ही है। और जब किसी भी ग्राउंड पर आप देखोगे नमी रहता है तो क्या होता है, या तो बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग करेगा यानी कि वो जो है बॉलर फ्रेंडली जो है वो बन जाता है, या फिर जो है ग्राउंड क्या होता है बॉल गिरने के बाद जो है क्या होता है थोड़ा सा रुक के आएगा। अब जो थोड़ा सा रुक के जब आएगा तो वैसे में भी क्या होता है कि थोड़ा सा जो है बेनिफिट आपको बॉलर को मिलते हुए नज़र आता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में जो है वो कभी कभी क्या होता है कि बॉल जो है वो जब ज़्यादा नमी आ जाता है तो कभी कभी स्विंग ना होकर डायरेक्ट जो है वो क्या होता है बॉल गिरने के बाद और तेज़ आता है, तब वैसे सीनरी में बैट्समैन को फ़ायदा हो जाता है कि जब बॉल बल्ले पे तेज आता है तो शॉट भी जो है वो बहुत ही टाइमली से बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लगता है। तो ये जो बारिश का सीनरी होता है ये कभी कभी बैट्समैन को बेनिफिट दे देता है, कभी कभी बॉलर को दे देता है, यानी कि एक अलग अलग सीनरी में जो है आपको हो सकता है कि क्रूशियल रोल प्ले करे, अनकंडीशनल रोल जो है वो प्ले करेगा। तो ये सारे सीनरी जो है आपको याद रखना है और उसी के हिसाब से जो है अपने कोई भी टीम जो बना रहे हो आपको उसी के हिसाब से बनाना है। इसी अलावा बात करते हैं यहाँ पर T20 मैचेस देखोगे तो रिसेंट जो 7 T20 मैचेस उनमें से 3 फर्स्ट बैट जीता है, 4 सेकंड बैट जीता है और फर्स्ट बैट एवरेज यहाँ पर 164 है जो कि एक अच्छा खासा स्कोर है। और इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर ODI में, तो ODI में जब देखोगे तो 24 जो मैचेज हुए उनमें से 12 फर्स्ट बैट जीता है, 12 सेकंड बैट जीता है और फर्स्ट बैट एवरेज जब देखोगे 240 के आसपास जो कि एक अच्छा खासा एवरेज है। अगर आप देखोगे ये इसके लिहाज से तो एक अच्छा खासा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम बात करते हैं लास्ट जो 5 ODI मैचेज यहाँ पे हुआ है उनमें से देखने को मिला कि 4 मैचेज जो है डिफेंड हुआ है, हालांकि उनमें आप रन देखोगे तो ऐसा नहीं था कि 300 रन जो है बना है, उसमें आप एवरेज रन देखोगे तो 250 के आसपास जो है लास्ट 5 मैचों में बना है और एक मैच जो है वहाँ पे चेस हुआ है, बाकी 4 के 4 जो है वो डिफेंड हुए हैं। तो ये ग्राउंड जो है जिस तरह से जो है वो यहाँ पे बिहेव करता है तब देखोगे धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर मैचेज होता जाता है ग्राउंड जो है थोड़ा सा स्लोपन आते जाता है ग्राउंड में, तो उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पर लेके चलना है इस ग्राउंड के बारे में। इसके अलावा अभी तक आप जो है मुझसे नहीं जुड़े तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, साथ में आप कॉल फ्री सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो प्रॉफिट बनाने की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो होप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।